हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सबके केमिस्ट्री का टीचर, आप सबका मेंटर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर नंबर 3, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर का। इस लेक्चर में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट इस सेशन को जो है शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आज के लेक्चर में जो नेम रिएक्शन वाला पार्ट है वो जरूर आपसे एग्जामिनर पूछेगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू CBSE क्लस्टर बाय अभिषेक सर। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 11th में कुछ टॉपिक्स जो है आपके वीक होंगे या भूल गए होंगे आप, और क्लास 12th में आपकी नीट या जेई की प्रिपरेशन में वो बीच में आ रहे होंगे, तो आपको दिक्कत क्रिएट कर रहे होंगे। तो वो दिक्कत दूर करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल एक एक क्लास ज्यादा लंबी नहीं, जिससे टॉपिक की क्लैरिटी आपको मिले। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पढ़ाया, आने वाली क्लास में मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके क्वेश्चन मैं कराने जाऊंगा। हाइड्रोकार्बन इसमें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से क्लास 11th की बेसिक्स इस चैनल पर मैं कराने जाने वाला हूं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। तो आज की क्लास से स्टार्ट करने वाला हूं मैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से। अगर अपन अल्कोहल और फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर मैं दो आपको चीजें बताने जा रहा हूं। पहला अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का, फिनॉल का, कैसे क्या वेरी करता है, क्या मैं चेंजेस करता हूं जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है चेंज होता है। दूसरे मैं बात करने वाला हूं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर अपन अल्कोहल की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये मेरा अल्कोहल का ROH, ये एक स्ट्रक्चर है। एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं अल्कोहल का, ये मान लो R है, ये O है और ये H है। बिल्कुल ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे अल्कोहल के, फॉर एग्जांपल ये हो गया H, ये हो गया R, ये हो गया O और ये R, ये अल्कोहल है। अब इस मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है बच्चों, पार्टी O और H के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड देखा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाता है बच्चों। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो इसको ब्रेक करना इज नॉट दैट ईजी, इतना आसान नहीं होता। अगर ये ब्रेक नहीं होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं और बॉइलिंग ये उड़ेगा नहीं, वोलेटाइल नहीं होंगे इतने ज्यादा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट आपके सामने क्या है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर एज कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड, वाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, अल्कोहल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला पॉइंट सबसे क्लियर होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चा वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, या मैं बोलूं वॉन्डरवॉल फोर्सेस पे। तो अगर वॉन्डरवॉल फोर्सेस में बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला फैक्टर अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्डरवॉल फोर्सेस। भाई वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस कब ज्यादा होते हैं, जब मैं क्या करूंगा मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाऊंगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वाई सर, इससे क्या समझ में आया, कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ते हैं। अगर वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं कब, क्लास 11th के अंदर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में। अगर वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना क्या हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा। अगर वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ही है बच्चों। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्या होता है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। हमेशा ये लॉजिक सक्सेसफुल होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं ब्रांचिंग बढ़ा रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, ये समझना है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। क्या होता है बच्चों, अगर मैं ब्रांचिंग बढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया क्या कर रहा हूं बच्चों, सरफेस एरिया सर क्या कर रहे हैं आप, कम कर रहे हैं। अगर सरफेस एरिया कम करते हैं तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, कम होते हैं, और वॉन्डरवॉल फोर्स कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। पहला है मॉलिकुलर मास कंसेप्ट, कि मॉलिकुलर मास बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और दूसरा है ब्रांचिंग कंसेप्ट। अगर मैं ब्रांच इंक्रीज करूंगा, अगर मैं एक बात करूं सिंपल, एक ये तीन कार्बन और एक OH ग्रुप मैंने ऐसे जोड़ दिया, या अगर आपने इस तरीके से जोड़ा है सर, एक तो ये हो गया ऑप्शन और दूसरा ये ऑप्शन हो गया, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये सिंपल वाले का, नॉर्मल कार्बन चेन का, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया कम होने से क्या हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस कम हो गए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बॉइलिंग पॉइंट का, जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर क्लियर है। अब अगर अपन फिनॉल्स की बात करें, ये तो अल्कोहल की बात थी, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल की बात करूं, तो फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी नोट करके लिख लो, नोट करके एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर एरोमेटिक कंपाउंड जो उसकी क्लासेस के होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें का भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। तो ये लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर हायर एज कंपेयर टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज हायर, मॉलिक्यूलर मास, या वही मॉलिक्यूलर मास इज हायर, और दूसरा वही वाली बात है, फिनॉल के अंदर भी क्या होता है, फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के भी अंदर क्या होता है, एक दूसरे के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसमें भी ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। अगर मैं दूसरा फिनॉल का अगर मान लीजिए एटम लूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ले लूँ, वो ये O है और ये H है, तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऐसे ये वाला, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? तो फिनॉल का भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेंगे आप, दो पैरामीटर याद रखिएगा, एक तो मॉलिक्यूलर मास, दूसरा ब्रांचिंग। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पे अपन मूव करते हैं, जो कि है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या चीज़ होती है, वाटर के अंदर घुलने की क्षमता। अगर मैं किसी अल्कोहल को पानी में डालता हूं और चेक करूं कि वो घुल पाएगा अच्छे से, तो क्या वो सॉल्युबल हुआ, हुआ। अब घुलने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, कि वो वाटर के मॉलिक्यूल से स्ट्रांग बॉन्ड बनाना चाहिए। आइए चेक करते हैं, अगर मैं अल्कोहल का मॉलिक्यूल लूं R O और ये H ले लिया, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया, उसको मैंने पानी में डाला। अब पानी के अंदर आपके पास बच्चों क्या है, H2O है, सिंपल सी बात है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक H2O हो गया, ठीक है, दूसरा H2O हो गया, ठीक है, ये हो गया तीसरा H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब देखो, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ, ऐसे और बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर मेरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो क्या ये सॉल्युबल होगा, होगा। तो एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, ये लिख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल आर सॉल्युबल इन H2O वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये शेयर कर देंगे PDF, डोंट वरी, विथ वाटर मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? ये विजुअलाइजेशन है, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। क्लियर है? बिल्कुल। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके कोई कंसेप्ट है तो CBSE क्लस्टर वाले प्लेटफॉर्म पे समझा दूंगा, चिंता मत करना, बहुत बच्चों को पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ना। हाँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, फोन करके पूछ लो, ये FON, फोन करके पूछ लो, ये जो अगर FON जब हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। और भी ट्रिक होती है इसकी, वो मैं पूरा डिटेल हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको समझा दूंगा। क्लियर है? अब ये तो है, ठीक है, बात की सॉल्युबिलिटी जो होती है सर वो अल्कोहल की ज्यादा होती है। अब वेरी कैसे करती है, अगर मैं ये आर वाला, ये क्या
है R, एल्काइल पार्ट को बढ़ा रहा हूं। तो ये एल्काइल पार्ट बेसिकली क्या होता है बच्चा पार्टी, हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फोबिक मतलब होता है हीटिंग, हीटिंग। तो ये R जो एल्काइल वाला पार्ट है वो क्या होता है? वाटर हीटिंग होता है। अगर मैं ROH, अगर मैं एल्कोहल के अंदर ROH के अंदर अगर R का बढ़ाऊंगा, R का मास बढ़ा रहा हूं या एल्काइल ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूं या एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ा रहा हूं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये लिख लो, एज द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। रटना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ाओगे तो वाटर को ज्यादा नफरत करेगा, वाटर से दूर भागेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, एक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, उसके अंदर दो चीजें ध्यान में रखनी, एक मॉलिकुलर मास कंसेप्ट, एक ब्रांचिंग कंसेप्ट। दूसरा, सॉल्युबिलिटी के अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी कि एल्काइल ग्रुप की अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा या साइज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगी। इन जनरल सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू दी एबिलिटी ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर अपन अल्कोहल की बात करें तो बच्चों अल्कोहल जो होता है एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह एक्ट करता है। बिल्कुल, अल्कोहल जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Act as nucleophile, nucleus loving, or it also acts as electrophile, electron loving. अब ऐसे कैसे वो समझाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल? तो एक अल्कोहल जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, मतलब ये जो होता है न्यूक्लियस लविंग भी होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, एक इलेक्ट्रॉन लविंग भी होता है। वो कैसे होता है वो बहुत ध्यान से समझाऊंगा अभी आपको, ये नोट कर लो पहले। ये बोथ एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे एक्ट करता है, तो उसको समझना कैसे। अल्कोहल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो अल्कोहल क्या होता है? आर ओ और ये एच होता है। ये ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आपको ध्यान है तो। बिल्कुल सर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है पोलर होता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, जब मैं इसको किसी पॉजिटिव एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा रहा हूं, ये कार्बन है, इसमें तीन बॉन्ड बना दिए, एक ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो एक न्यूक्लियोफाइल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव कार्बन कहां जाएगा? इस ऑक्सीजन पे जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल। अब देखते हैं जाने के बाद होगा क्या। जब ये ऑक्सीजन पे ये कार्बन जाएगा तो देखो आर, ये ओ, इस पे कार्बन आ गया, इस कार्बन पे तो तीन बॉन्ड ऑलरेडी है, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा? इस कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था और हाइड्रोजन तो है ही। ऑक्सीजन पे मैंने फिर बताया था पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको हाइड्रोजन के जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन खाएगा और हाइड्रोजन को क्या बोल देगा? भाग जा तू यहां से। अब जब इसको भगाएगा तो क्या होगा देखना, तो यहां पर बन जाएगा क्या आपके पास? आर ओ और सी ट्रिप पे तीन आ गया और एक एच प्लस को इसने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो अगर अपन देखें कि जब अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। तो क्या आर और ओ वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? एच प्लस इजिली रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करो। और ये ओ जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को लव कर रहा है, तो ये अल्कोहल जो है मेरा किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। बहुत ध्यान से आराम से समझेंगे। देखो फिर अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जब कोई पॉजिटिव स्पीसी, एक कोई पॉजिटिव स्पीसी आएगा तो ये ऑक्सीजन पे आके बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, तो ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एच प्लस रिलीज कर देगा, रिलीज कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब अल्कोहल मेरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया तो क्या हुआ? बॉन्ड बिटवीन ओ एंड एच, ओ एच ब्रेक्स, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो जब मेरा अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो वो H+ रिलीज करता है और O और H के बीच में क्या होता है? बॉन्ड टूटता है। क्लियर है? बिल्कुल।
कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब जब मेरा अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा सर, तो इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। जब मेरा एक अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है तो मान लेते हैं एक मेरा प्राइमरी अल्कोहल मान लो RCH2OH, एक सिंपल सा एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोटोनेट कर रहा हूँ, H+ दे रहा हूँ, तो प्रोटोनेट करके क्या बन जाएगा RCH2OH2+। ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया या नहीं बन गया, चेक करो। बिल्कुल प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब जब इस प्रोटोनेट अल्कोहल पे क्या होगा बच्चा पार्टी, इस प्रोटोनेट अल्कोहल पे मैंने फिर बताया इस ऑक्सीजन पे क्या है मेरे पास, इस ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज विच इज नॉट स्टेबल। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस, अब इस बार इस इधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर मैं इसको और अगर फैला के लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, RCH2 और ये, हाँ अब देखो H+ आपने दिया, OH ऑलरेडी था, अब कौन सा भाई, इधर से तो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो ये वाला बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन, इसमें से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन पे क्या बना देगा, एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बना देगा। क्लियर है, क्लियर है सर। अब जब एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल मतलब E- इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव स्पीसी आकर जब इस पर अटैक करेगी, इस वाले पे देखना CH2, ये R, इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, बिल्कुल, और ये O और ये क्या है देखना बहुत ध्यान से, ऐसे था। अब जब ये इस पे इसका ये बॉन्ड टूट रहा होगा उसी वक्त क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे बैक अटैक करेगा, क्या करता है बैक अटैक करता है, और जैसे ही बैक अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। ये एक SN2 रिएक्शन होती है, RCH2, ठीक है, ये सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना E CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा ऑलरेडी R था ही, और प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, H2O ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, H2O अलग हो गया। तो इस वाले केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, उस वाले केस में क्या हुआ था बच्चा बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे ये पॉजिटिव चार्ज आके अटैक किया था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो था एक नेगेटिव चार्ज था। तो इस केस में जब अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आके अटैक करेगा और ऑक्सीजन इस H+ को रिलीज करेगा, क्लियर। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, और H का बॉन्ड टूटेगा जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो एक इलेक्ट्रॉन लविंग जब एक इलेक्ट्रॉन स्पीसी जब इस पे आएगी तब होगा क्या, बैक बॉन्ड फॉर्म होगा या SN2 रिएक्शन होगी। तो उस केस के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्या टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो एक चीज नोट करके क्या लिखेंगे कि व्हेन अल्कोहल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स, इसको नोट कर लेना, ठीक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक होता है या क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन टेक प्लेस। दूसरा, व्हेन अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तब क्या होगा उस केस में, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ब्रेक्स, तो O और H ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिखने से बहुत इजी सी लग रही है, एक लाइन लिखा होगा NCERT में, पर समझना है इसी से रिएक्शन समझ में आएगी। हमेशा रिएक्शन को मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी मैंने क्या स्टार्ट किया, एक इलेक्ट्रोफाइल जो अल्कोहल होता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो H+ रिलीज करेगा तो O और H का बॉन्ड टूटेगा, और जब अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो उसके इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए एक नेगेटिव स्पीसी कार्बन पे पीछे से अटैक करेगी और ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का केस होगा, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सर क्लियर है। जब मेरा अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, मतलब जब O और H का बीच का बॉन्ड टूटता है, मतलब इधर यहां लिख लो बॉन्ड, है ना, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ब्रेक्स, उस केस के अंदर दो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, कौन कौन सी, पहले रिएक्शन विद मेटल्स और दूसरी पढ़ेंगे ईस्टरफिकेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना कि जब मेरा अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, इस केस में दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे क्या, ईस्टरफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, नहीं, ये बहुत ध्यान से देख लेना, अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है,
होता है, इसको ध्यान में रख लेना बच्चों। कोई भी डाउट है तो फिर पूछ लेना। अब पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी रिएक्शन जिसके अंदर मैं ओ और एच के बीच का बॉन्ड ब्रेक करूंगा, मतलब उस केस में एल्कोहल एक किसकी तरह एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखो कई बार होता है मैं देखता हूं कि बस बच्चे रिएक्शन रट लेते हैं, लाइन रट लेते हैं, इसलिए रटना पड़ रहा है क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता। हमें अगर ध्यान होगा कि जब एल्कोहल का ओ और एच का बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म अपन पढ़ के आ चुके हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस एक पॉजिटिव स्पीसी आके उस पे अटैच होगी। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, पहले अगर अपन बात करें रिएक्शन विद मेटल्स की, तो एल्कोहल या फिनॉल दोनों के केस में बात कर रहा हूं मैं। जब मैं एक एल्कोहल को मैं मेटल के साथ, जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स है, इसके साथ जब मैं रिएक्ट कराऊंगा, एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड बनता है। क्या बनता है, एल्कोक्साइड बनेगा, एल्कोक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अभी समझाएंगे, एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं। और जब मेरा फिनॉल, अब जब मैं फिनॉल को भी इन्हीं मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो उस केस में क्या बनेगा, फिनोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फिनोक्साइड्स बनेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व आउट होगी। बिल्कुल, आइए करके देखते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं एल्कोहल को रिएक्ट करने जा रहा हूं, किसको, एल्कोहल को, तो देखना बहुत ध्यान से, मैंने क्या लिया, आर ओ एच, ये एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल को क्या कर रहा हूं मैं, रिएक्ट करा रहा हूं किससे, एन ए, सोडियम से, ठीक है, सोडियम से। अब सोडियम के केस में क्या है, एन ए, ये क्या है, एक मेटल है, ये क्या है, एक मेटल, देखना बहुत ध्यान से। मेटल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्पीसी है, ऐसे देखो रटना नहीं, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव स्पीसी है तो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, तो ये अगर न्यूक्लियस है, अगर एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव स्पीसी है, तो मेरा जो एल्कोहल है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियस लविंग, या फिर बोले तो न्यूक्लियोफाइल, ऐसे देखो न्यूक्लियोफाइल। और जब एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना है अपन को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सोडियम आके, सोडियम के पास Na प्लस, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो Na इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, आर ओ एन ए, क्या बन गया, ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस केस में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लो, यहां टू लगा दो, यहां टू लगा दो, और यहां भी टू लगा दो, तो ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, मेटल को जब मैंने एक एल्कोहल से रिएक्ट कराया, तो मेटल क्या होता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसी होती है, मतलब एक न्यूक्लियस की तरह एक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एल्कोहल न्यूक्लियस लविंग की तरह काम करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और जब एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, तो एच प्लस दे दिया। बहुत ध्यान से देखना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आर की जगह कुछ भी ले लो, CH3 ले लो, CH3CH2 ले लो, इथाइल ले लो, मिथाइल ले लो, कुछ भी ले लो। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को अगर मैं फिनॉल के साथ करा रहा हूं, मान लो ये मेरा फिनॉल है, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस तो सब बच्चे कर लेंगे। लो ये मैंने दो फिनॉल के मॉलिक्यूल ले लिए, इसको मैंने रिएक्ट कराया किससे, 2Na से। फिर इस केस में ये Na क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस है, तो O और H का, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे अपन इस केस में, ये वाला, क्योंकि इस केस में ये क्या, फिनॉल क्या करेगा, फिनॉल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये कैसे पता चलेगा सर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है, मेटल है, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, एक न्यूक्लियस की तरह एक्ट करेगा। तो अब ये न्यूक्लियस जो होगा, कहाँ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है सर, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन बना लेंगे, H2 प्लस H2 गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी, और ये O माइनस पे Na प्लस आ जाएगा, आ गया, ये लो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक स्पीसी है, बार बार पढ़ा चुका हूं आपको, O Na, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम फिनोक्साइड, क्लियर है, इसको नोट कर लो। तो जब मैंने मेटल के साथ रिएक्ट कराया एल्कोहल को या फिनॉल को, तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड बनेगा या फिनोक्साइड बनेगा, क्लियर है। और किस किस के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज हो रहा है, दोनों केस में क्या रिलीज हो रहे हैं, H+ रिलीज हो रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, दोनों केस में H प्लस रिलीज हो रहे हैं। अब जो H प्लस रिलीज करता है बच्चों, वो खुद क्या होता है, एक एसिड होता है या नहीं होता? तो इन रिएक्शंस के अंदर एक अल्कोहल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। बहुत ध्यान से, एक एक चीज कोरिलेटेड है, रटना कुछ भी नहीं है। अगर इन रिएक्शंस में देख रहे हैं कि अल्कोहल या फिनॉल दोनों क्या H प्लस रिलीज कर रहे हैं, अगर H प्लस जो रिलीज करता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है या नहीं होता, बिल्कुल। तो ये लिख सकते हो, इन अबव टू रिएक्शंस बोथ एल्कोहल एंड फिनॉल्स क्या है, इजिली गिव एच प्लस आयन। तो ये क्या बता रहा है कि एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। इन अबव टू रिएक्शंस एल्कोहल्स या फिनॉल इजिली गिव्स या डोनेट एच प्लस आयन्स विच शोज That they are acidic in nature. बहुत ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ गया सर, एल्कोहल और फिनॉल जो है H प्लस आयन देते हैं और एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट अगर अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ढेरों बार पूछा गया है, तो इधर मैं बोर्ड एग्जाम लिख देता हूं, बोर्ड 2024 लिख देता हूं, और आप सब बच्चों से अगर मैं पूछूं कि अगर एल्कोहल एसिडिक इन नेचर है, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक जगह आपको दे दिया मैंने इस तरीके का एल्कोहल RCH2OH, ठीक है, एक जगह आपको मैंने इस तरीके का एल्कोहल दे दिया RCHOH, और यहां पर लगा दिया क्या R डैश 1 2 3 4, ठीक है, और एक ले लिया मैंने इस तरीके से CR R डैश R डबल डैश, और यहां ले लिया OH। कहने का मतलब यह है, एक जगह मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, एक जगह सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, एक जगह टर्शरी अल्कोहल ले लिया, और आप लोगों से पूछा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कैसे बताओगे? बहुत ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है मेरा 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, अरे यार प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये क्या है मेरा टर्शियरी अल्कोहल है। कई बार एग्जाम में 1 डिग्री भी लिख देते हैं, घबराना मत, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। अगर आपसे पूछूं मैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है तो क्या बताओगे, तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर सबसे लीस एसिडिक होता है 3 डिग्री। ये नोट करके ये बात लिख लेना। अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं सर, इसके पीछे मुझे कंसेप्ट जानना है, क्योंकि इस क्लास में अगर अभिषेक सर से हम पढ़ने आए हैं तो हमें हर चीज की कंसेप्ट पे जाएंगे, हम रटेंगे नहीं। देखो कंसेप्ट देखना, बहुत ध्यान से समझना। तो देखिएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करूं तो ये अगर मेरा कार्बन एटम है जिसपे OH बॉन्ड जो है अटैच है, OH अटैच है ग्रुप, इस कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप मेरे को लगा रखे हैं मैंने, ठीक है, एक R है, एक R डैश है, एक R डबल डैश है। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी की एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों होती है, अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। अब ये तीनों एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट है बच्चा पार्टी, ये क्या होते हैं बेसिकली, एल्काइल ग्रुप आर बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब बहुत ध्यान से यहां पर देखेंगे, अगर ये जो मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, इसका जो OH बॉन्ड में ये ऑक्सीजन, अगर H ये इस बॉन्ड में से OH बॉन्ड में से ये ऑक्सीजन इजीली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले और H प्लस क्या करे, इजीली दे दे मुझे, H प्लस क्या करे, इजीली दे दे, तो मैं क्या कहूंगा, ये एक अच्छा अल्कोहल, एक ये जो अल्कोहल एक अच्छा एसिड है, बिल्कुल अच्छा एसिड है। बट अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये 3 अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन को क्या कहेगा, भाई तू इससे इलेक्ट्रॉन मत विड्रॉ कर, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कंटिन्यूस दे रहा हूं, तो इस गरीब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मत ले। तो ये ऑक्सीजन कहेगा ठीक है भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, तू दे दे या मैं हाइड्रोजन से ले लूंगा। अब इस पे अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या OH का बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो ये क्या होगा, एक पुअर एसिड होगा, क्या होगा पुअर एसिड इन नेचर होगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन इंक्रीजेस, सो देयरफॉर दिस OH बॉन्ड विल नॉट बिकम पोलर। तो पोलर नहीं होगा, तो OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और H+ मुझे इजीली नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। तो अगर मैं रीजन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकते हैं रीजन कि इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स ऑन कार्बन डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड OH बॉन्ड देयरफॉर एच प्लस विल नॉट रिलीज इजीली रिलीज इजीली देयरफॉर 3 डिग्री एल्कोहल आर लेस एसिडिक आर लेस एसिडिक ये इस तरीके से लिखिए आना आप ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि जब वो मेटल से रिएक्ट करता है तो H+ देता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है अल्कोहल। अगर H+ दे रहा है तो अपन ने फिर आगे क्या बात करी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन अच्छा एसिड होगा। तो मैंने आप सबको बताया कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिड होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्या है बच्चों? ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की मैंने। अब आप सबका क्वेश्चन क्या था कि हम ऐसे कैसे याद कर लें क्यों 3 डिग्री कम एसिड होता है? तो मैंने बताया 3 डिग्री एल्कोहल के पास क्या है? 3 एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये OH बॉन्ड क्या होगा? पोलर नहीं होगा, तो H+ इजीली नहीं मिलेगा। H+ इजीली नहीं मिलेगा तो पुअर एसिड होगा। कौन सा? 3 डिग्री एल्कोहल आर लेस एसिडिक या पुअर एसिड। इसको नोट कर लो। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बताइएगा। नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर अपन फिनॉल की बात करें, किसकी बात करें? फिनॉल की बात करें तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। क्या है? फिनॉल्स क्या लिखेंगे? फिनॉल्स आर बेटर एसिड या स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोहल या स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि फिनॉल क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट रीजन बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर गौर से देखूँ, देखना ये पहले भी आपको कहीं ना कहीं मैंने बता रखा है बट कोई बात नहीं। तो पहला रीजन, तो रीजन वन क्या है देखना। ये फिनॉल है, ये OH बॉन्ड है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इस फिनॉल के अंदर ये जो कार्बन एटम है आपके पास, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसके पास क्या है? ज्यादा है। परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है इसके पास? सर मोर। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर है तो ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो कहां से लेगा? इधर से लेगा और H+ क्या करेगा? इजीली डोनेट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना ठीक है। एज दिस कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो देयरफॉर इट विल क्रिएट पोलैरिटी बिटवीन OH बॉन्ड, ठीक है, या फिर इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। सो देयरफॉर ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? H+ इजीली दे देगा। यहां इस बॉन्ड में से क्या करेगा? भाई तू मेरा ले रहा है तो मैं इसका ले लूंगा, मेरे को क्या जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रहा था तो ऑक्सीजन बोल रहा था ठीक है, पर अब तुमने ऑक्सीजन से पंगा ले लिया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेके H+ इजीली दे देगा। तो पहला रीजन क्लियर है कि फिनॉल क्यों ज्यादा अच्छा एसिड होता है, क्योंकि फिनॉल के अंदर ये जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि इसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्यों ज्यादा? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, नोट कर लो। दूसरा रीजन क्या है? रीजन नंबर टू की अगर अपन बात करें कि क्यों फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होता है तो वो बहुत ध्यान से देखना। ये तो था रीजन नंबर वन कि ये था रीजन नंबर टू कि फिनॉल क्यों ज्यादा एसिड है। देखो रीजन नंबर टू, अगर अपन एल्कोहल की अभी बात कर रहे थे तो एल्कोहल में क्या था? ROH था, ठीक है, ROH। तो ROH में क्या हो रहा था अभी तक जब मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो RO- हो रहा था और H+ दे रहा था। अभी तक ये हो रहा था या नहीं हो रहा था? तो अल्कोहल के केस में ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है? लोकलाइज्ड है। क्या है? लोकलाइज्ड। तो नेगेटिव चार्ज ऑन अल्कोहल ROH इज लोकलाइज्ड, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? लोकलाइज्ड है, ठीक है सर। लोकलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है इस पे अभी।
अब अगर अपन फिनॉल की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ फिनॉल की बात, अब फिनॉल के अंदर देखना बहुत ध्यान से, फिनॉल के अंदर क्या था, OH था। जब इसको मैंने, इसका जब मैंने एसिडिक कैरेक्टर चेक किया तो फिनॉल के पास क्या आया, ये देखो इस तरीके से O पे नेगेटिव चार्ज आया, बिल्कुल सर, और ये H प्लस दे दिया इसने। अब इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है ये किस में इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इजीली H प्लस दे देगा। तो ये क्या है, ज्यादा क्या है, रेजोनेंस होने के कारण ज्यादा स्टेबल है। क्या है, ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा होगा मतलब ये चीज बनना चाहेगा, मतलब H प्लस इजिली दे देगा। तो दो रीजन है कि फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड क्यों होता है। पहला रीजन तो ये बता दिया, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा रीजन क्या बताया कि जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन जो बना इसके अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। और जहां भी रेजोनेंस होगी वो चीज क्या होगी, स्टेबल होगी। स्टेबल होगी तो वो बनना चाहेगी, अगर ये बनना चाहेगा तो H प्लस क्या होगा, इजिली दे देगा, H प्लस इजिली दे देगा। और एल्कोहल के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, लोकलाइज होता है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है। एक और अगर अपन एसिडिक कैरेक्टर की, अगर फिनॉल की अपन बात करने जा रहे हैं, अब कि फिनॉल के अंदर सर एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो नोट करके एक बात लिखना, फिनॉल के अंदर अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं वन बाय वन, फिनॉक्साइड आयन बना बताया था मैंने आपको, तो अगर फिनॉक्साइड आयन का अगर मैं बना के दिखाऊं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखना ये मेरा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था फिनॉक्साइड आयन के अंदर, ये ना ये ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज था। अब जब रेजोनेंस होगा बच्चों, जब रेजोनेंस होगा तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल रेजोनेंस आप सबने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, ये इधर बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, इस पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्ट आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज मूव होगा रिंग के अंदर तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा मेरा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल सर। तो क्या होगा देखना, यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, देखना बिल्कुल सर। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखोगे तो ऑर्थो और पैरा, ये कौन सी पोजिशन है, देखो ये ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो पोजिशन है, ठीक है, और ये कौन सी पोजिशन, पैरा। ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, बहुत ध्यान से देखना, फिनॉल के केस में अगर मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जैसे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑन ऑक्सीजन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो क्या कह रहा हूं मैं, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG इज प्रेजेंट कहां पर, इज प्रेजेंट एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आना है, इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तो वो क्या करेगा, सो देयरफॉर इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, सो देयरफॉर OH बॉन्ड क्या होगा, मोर पोलर होगा। अगर ज्यादा पोलर होगा तो देयरफॉर H प्लस क्या होगा, इजीली डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, H प्लस इजीली क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो अच्छा एसिड होगा, क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप मैंने अगर लगा दिया फिनॉल के केस में, तो वो क्या होगा, एक अच्छा एसिड होगा, क्यों होगा, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई भी डाउट है तो एक नोट करके एक बात लिख लो, क्या लिख सकते हो नोट करके एक बात, कहां गया, यहां ही रहा, नोट करके एक बात लिख लो, क्या लिख सकते हैं नोट करके एक बात, कि प्रेजेंस ऑफ, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
लाइक एनओ टू, लाइक सच एज एनओ टू ग्रुप, ठीक है, क्या लिख सकते हो, सच एज एनओ टू ग्रुप, ठीक है, ये जरूर लिखना एट ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो वहीं से तो विड्रॉ करेगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर, इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ऑफ फिनॉल, रीजन समझ में आ गया, बिल्कुल, कैसे रीजन है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रीजन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहां पर होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर ले लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन पे अगर आप चार्ज डेंसिटी कम करने में कामयाब हो गए तो OH बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, याद रखना, बिल्कुल सर, ठीक है, चलो ये नोट करके पहला पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज मिथाइल ग्रुप, सच एज ये मैंने लिख दिया CH3 ग्रुप, अगर कोई आपने मिथाइल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डिक्रीजेस, ये किसकी बात कर रहा हूँ, फिनॉल की, तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं आपके सामने की एग्जाम्पल लूँ, क्वेश्चन पूछूँ आप सबसे कि सर, अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूँ कि ये मेरा फिनॉल है, एक तरफ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, अब तो चुटकियों में कर लोगे तुम लोग, ये फिनॉल है और इधर लगा दिया मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये OH है और यह NO2 ग्रुप लगा दिया, क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये है वन, और क्वेश्चन टू क्या है कि अगर एक तरफ मैंने ले लिया फिनॉल, ठीक है, एक तरफ ले लिया फिनॉल OH और एक तरफ ले लिया क्रिसॉल, क्या ले लिया बच्चों, क्रिसॉल क्या होता है आप सबको पता होगा, क्रिसॉल नहीं पता तो अभी बता देता हूं मैं, क्रिसॉल होता है जब मैंने कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पे लगा दो, लो CH3 क्रिसॉल, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रिसॉल, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया तो अभी मैंने बताया था अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी ज्यादा होगी, और अगर कोई एक क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, तो फिनॉल की ज्यादा होगी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में रीजन पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पक्का रीजन पूछेगा, तो रीजन सब बच्चे लिख के आएंगे ना कि रेजोनेंस के स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, बिल्कुल, कहाँ है सर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रही वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्थो कहाँ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ गया मेरा यार, हाँ ये रहा इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो इस जगह अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो वो ऑक्सीजन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो H से विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन, H+ दे देगा, बट अगर इसी पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा दी, तो फिर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना लेके क्या करेगा, पुअर एसिड हो जाएगा, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये दो पॉइंट, ये अभी तक रिएक्शन ऑफ मेटल आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ROH+Na विल गिव RONa, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि अल्कोहल और फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, फिर और क्या कंक्लूजन निकाला था मैंने कि अगर अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में कौन अच्छा अल्कोहल एसिड होता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, क्यों, क्योंकि टर्शरी के अंदर तीन अल्काइल ग्रुप, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, तो इसका मतलब OH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करनी है, मुझे कम करनी है, फिनॉल और अल्कोहल की बात करेंगे तो फिनॉल अच्छा एसिड क्यों होगा, क्योंकि फिनॉल के अंदर जो OH बॉन्ड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो जो कार्बन है फिनॉल के अंदर जो OH बॉन्ड से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो H+ फिनॉल में इजीली मिल जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन इसलिए स्टेबल होता है ज्यादा, क्लियर है, और फिनॉल के अंदर भी मैंने बताया अगर आप फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाओगे तो फिनॉल से अच्छा एसिड बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो पुअर एसिड हो जाएगा, इसको नोट कर लो।
नोट कर लो, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, पहली रिएक्शन अपन ने क्या पढ़ी, रिएक्शन विथ मेटल्स, ये था एल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन विथ मेटल। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, ईस्टरफिकेशन रिएक्शन, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन क्या है अपने सामने, ईस्टरफिकेशन रिएक्शन, तो हेडिंग डालेंगे ईस्टरफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरफिकेशन रिएक्शन, अगर अपन ईस्टरफिकेशन की बात करें तो मतलब ईस्टर बनाने जा रहे हैं अपन एल्कोहल की हेल्प से। तो इसके अंदर बेसिकली दो तीन मेथड है ईस्टर बनाने का एल्कोहल की हेल्प से। पहले क्या करना हो, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करा रहा हूं, तो पहला मेथड क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, विथ कार्बो जिलिक एसिड। इससे भी क्या बनेगा, ईस्टर कैसे बनेगा ये देखना बहुत ध्यान से। इस रिएक्शन के अंदर भी क्या है, एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर मैं एरोमेटिक या एलिफैटिक एल्कोहल ले रहा हूँ, दोनों कुछ भी ले सकता हूँ, मान लो एरोमेटिक या एलिफैटिक एल्कोहल ROH ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये AR और R इसलिए लिखा है, एरोमेटिक भी हो सकता है या एलिफैटिक भी हो सकता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, लो यार तुम लोगों को कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ R लिख देता हूँ, ये एल्कोहल है ROH। जब मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, R-COOH से रिएक्ट करा रहा हूं, तो क्या बनेगा ये देखना है मुझे ध्यान से। तो अब इस केस में अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो H+ इजीली दे देगा, O पे माइनस चार्ज आएगा, क्लियर है, बिल्कुल। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब इधर इस वाले केस में RCOOR के केस में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे यहां इधर इधर अगर इस कार्बन पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन क्या है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव वाला कार्बन कहां जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा। अब जब इसके पास जाएगा तो क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखना बहुत ध्यान से, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के पास गया है, ओ आर, ये बन गया या नहीं बन गया चेक करो, ठीक है। और यहां से ये ऑक्सीजन OH माइनस और ये H प्लस मिलके क्या बना लेंगे, वाटर प्लस वाटर, ये जो बना मेरा R डैश R C O O R, इसे क्या बोलते हैं अपन, ईस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर। ये है ईस्टरफिकेशन रिएक्शन, कि जब मैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी समझ लो ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब मैं अल्कोहल को जब मैं रिएक्ट कराता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एक अल्कोहल किसकी तरह एक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो न्यूक्लियस लविंग, तो ये कार्बन पॉजिटिव इसके पास आएगा और क्या बना लेगा, ये ईस्टर बना लेगा। देखो अगर मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो मुझे ये पता है कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ओ और एच का बीच का बॉन्ड तोड़ना है और वाटर निकाल देना है, तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ईस्टर की स्मेल क्या होती है, फ्रूट स्मेलिंग होता है ईस्टर, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को और अगर मैं कोई एग्जांपल के साथ समझाना चाहूं, फॉर एग्जांपल, तो मैं ये ले सकता हूं क्या, सी एच थ्री ओ एच ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, इसको जब मैं एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच से रिएक्ट कराता हूं, तो इस केस में क्या बनेगा, देखना, सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री प्लस एच टू ओ, ठीक है, ये ईस्टर बन गया, ये वाटर बन गया, क्लियर है बच्चों, बहुत ईजी है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें एरोमेटिक भी लगा सकते हो, एलिफेटिक कुछ भी लगा सकते हो। इसके अंदर अगर आप सी एच थ्री नहीं लेना चाहते, आप कई बच्चे बोलेंगे नहीं हमें सी एच थ्री सी एच टू के साथ रिएक्शन करा के दिखाओ, तो ऐसे ले लो, लो रिएक्शन, तो सी एच थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड ले लिया वापस, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस केस में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ओ एच नेगेटिव आएगा, तो एच टू ओ निकल जाएगा और क्या बनेगा, देखना, सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू, ये बनेगा ओ सी टू एच फाइव, अरे इसको सी टू एच फाइव लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, इसको सी टू एच फाइव लिख दिया, प्लस टू ओ एच टू, तो ये क्या बन गया मेरा, ईस्टर बन गया, क्या बन गया, ईस्टर। तो ईस्टरफिकेशन रिएक्शन क्लियर है, कि जब मैंने क्या किया, एल्कोहल को रिएक्ट कराया कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो बना मेरे सामने ईस्टर बन गया। क्या ये एक ही तरीका है ईस्टरफिकेशन रिएक्शन का? नहीं, दूसरा भी तरीका है। तो दूसरा कौन सी रिएक्शन होती है ईस्टरफिकेशन रिएक्शन की? तो दूसरी रिएक्शन है मेरी ईस्टरफिकेशन, ये तो था पहली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड। अगर मैं किसी एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराता हूं, ठीक है, सेकंड ईस्टरफिकेशन की रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, इसलिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर है, चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा आप। रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ एल्कोहल, तो एल्कोहल ले लो कोई भी, आर ओ एच ले लिया, ठीक है सर,
ये R, ये O, ये H ले लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जब ये अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एसिड क्लोराइड ले लो, R डैश सी ओ सी एल ले लिया, ठीक है। अब जब इस केस में देखना, ये कार्बन दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्लियर है। यहां से क्या होगा ये देखना, इस पे ये जो पॉजिटिव वाला, ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर, ये न्यूक्लियस की तरह एक्ट करेगा, और एक यहां आकर एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा चेक करना, आर डैश सी ओ ओ आर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या बन गया, अगेन ईस्टर बन गया, और साथ में क्या बनेगा, एच सी एल, साथ में क्या बना देखना बहुत ध्यान से, HCl अलग से लिखा है इसलिए HCl, ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया, और क्या बना HCl, यहाँ HCl जो है वो लार्ज अमाउंट में बनता है बच्चों, क्या बनता है, लार्ज अमाउंट में HCl बनता है। अगर लार्ज अमाउंट में HCl बना मतलब ये जो प्रोडक्ट है ज़्यादा एसिडिक हो गया, अब ज़्यादा एसिडिक हो गया तो इसलिए मुझे इस केस में, इस रिएक्शन में किसी, ये रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में करानी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, पिरिडिन यूज करते हैं, पिरिडिन की प्रेजेंस में, एक पिरिडिन क्या होता है, एक बेस होता है, तो एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ती है, क्योंकि HCl ज्यादा अमाउंट में बनता है ना इसलिए, तो कई बार ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर थोड़ा अच्छा पेपर बन गया, सोचो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, क्या पूछ लेते हैं कि अगर एल्कोहल को मैंने रिएक्ट कराया एसिड क्लोराइड के साथ तो पिरिडिन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ईस्टरफिकेशन के रिएक्शन में जब भी एल्कोहल एक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बाय प्रोडक्ट में जो HCl बनता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो प्रोडक्ट को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रल करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, पिरिडिन, एक पिरिडिन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडिन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, तो मैं हर एक लाइन का क्वेश्चन आपको बना के समझा रहा हूं, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ईस्टरफिकेशन रिएक्शन दोनों पार्ट क्लियर है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करा के कैसे मैंने ईस्टर बनाया, दूसरा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कैसे मैंने ईस्टर बनाया, क्लियर है। अब क्या करने जा रहे हैं देखना, अब तीसरा मैं कराने जा रहा हूं, रिएक्शन कर रहा हूँ एल्कोहल का किससे, एसिड एनहाइड्राइड से, किससे रिएक्ट कर रहा हूँ, एसिड एनहाइड्राइड से, तो तीसरा ईस्टरफिकेशन का ही पार्ट है, तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं होगी आपके लिए, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नया चीज़ है, क्योंकि तो हर एक चीज़ करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है आपको ये देखना है, एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, ये है एसिड एनहाइड्राइड, देखो R C O O ये एनहाइड्राइड होता है, R डैश, इसे क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब जब एल्कोहल को मैं इससे रिएक्ट कराऊंगा किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कर रहा हूँ, एल्कोहल को रिएक्ट करा रहा हूँ इससे, तो रिएक्शन क्या है, आर ओ एच एल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड, आर सी ओ, तो इसमें एल्कोहल में आर कुछ भी ले लो, या इधर आर डैश ले लो, आर डैश सी ओ सी ओ या आर डैश ले लो। अब जब ये रिएक्शन इस तरीके से हो रही है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये देखना, इसके अंदर वापस एल्कोहल क्या, एक एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये एच प्लस इजीली दे देगा, इस केस में क्या होगा, कोई भी एक एनहाइड्राइड का पार्ट या तो ये मान लो या ये मान लो, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्पीसी की तरह एक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव स्पीसी इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि इसमें जो एल्कोहल है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा देखना, आर डैश सी ओ, ये तो पॉजिटिव स्पीसी है, ये किस पे जाएगा, ओ आर पे जाएगा, ओ आर, तो क्या बन गया, ईस्टर, क्या बन गया, ईस्टर बन गया प्लस, ईस्टर बन गया प्लस, इधर देखना आर डैश सी ओ ओ एच, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, आर डैश सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड एनहाइड्राइड से जब मैं रिएक्ट कराऊंगा एल्कोहल को तो क्या बनेगा, एक तो ईस्टर बनेगा, ये क्या बन गया, ईस्टर, और क्या बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है, इसको नोट कर लो, ठीक है, जब भी मैं किसी एल्कोहल को रिएक्ट कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ईस्टरफिकेशन रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़नी है, तो क्लियर है बच्चों, ये थी जब एल्कोहल मेरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो सबसे पहले अपन ने क्या बात करी, रिएक्शन विद मेटल्स की बात करी, उस मेटल वाली रिएक्शन के अंदर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मेटल के रिएक्शन के बाद कि जो एल्कोहल होता है एक एसिड की तरह एक्ट करता है, फिर मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई कि अगर एसिड की तरह एक्ट करता है तो कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिनॉल की बात करी अपन ने कि फिनॉल के अंदर वो क्यों ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, तो ये सब अपन ने कुछ बातें की, उसके बाद अपन ने बात की
ईस्टरफिकेशन रिएक्शन की। तो ईस्टरफिकेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर तीन तरीके से ईस्टर फॉर्म करवाया अपन ने, एक तो एल्कोहल को कार्बोजिलिक एसिड से रिएक्ट करके, फिर एल्कोहल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके। यहां पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आया कि क्यों इस रिएक्शन में पिरिडिन यूज किया था, क्योंकि एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वाटर नहीं बनेगा, HCl बनेगा, तो ये प्रोडक्ट साइड को क्या कर देगा, ज्यादा एसिडिक कर देता है। तो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं जैसे पिरिडिन, ठीक है। दूसरा एसिड एनहाइड्राइड से जब अपन रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को तो भी क्या बनता है, ईस्टर बनता है और कार्बोजोलिक एसिड बनता है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन थी जिसमें मैंने O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ा, क्लियर बच्चों, कोई भी डाउट, ठीक है। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं अपन रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे अपन। तो रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन टेक प्लेस, या फिर व्हेन अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो, ठीक है, अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, अल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब एक्ट करेगा, अभी तक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया था, जब अल्कोहल मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, पहली बात तो ये जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको चार इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊंगा, कौन कौन सी, पहली रिएक्शन कराऊंगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा अल्कोहल को, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपन। दूसरा रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, रिएक्शन विथ PX3 फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। तीसरा अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे अपन, कौन सी रिएक्शन करेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। इसके अंदर क्या करेंगे, H2O का रिमूवल करेंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। तो चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं अपन, किसकी, जब अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, उस केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का मैं बॉन्ड ब्रेक करने जा रहा हूं, क्लियर है। तो जनरली जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है ना बच्चों, तो ये रिएक्शंस जो होती है जिसमें अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है वो रिएक्शन अल्कोहल ज्यादा देता है, फिनॉल नहीं देता ये रिएक्शन, क्यों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फिनॉल जनरली ये रिएक्शन नहीं देता है, दीज रिएक्शन आर मेनली ऑब्जर्व्ड इन अल्कोहल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी मैंने आपको बताया थी एक चीज कि जब मैंने फिनॉल का एक स्ट्रक्चर बनाया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब फिनॉल का बनाया था, ये देखो O है, ये H है, इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की बनाऊंगा, देखना बहुत ध्यान से, तो कुछ इस तरीके से बनेगी फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करेंगे तो देखना, ये डबल बॉन्ड, ये O, ये H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इसने बॉन्ड दे दिया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखना, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देखना, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता है सब बच्चों को, नहीं आता तो मैं बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, फिर इसके बाद क्या होगा, देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपने बहुत ध्यान से समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिनॉल क्यों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि इस रिएक्शन में, इन सब पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो फिनॉल के केस के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन, इन केस ऑफ फिनॉल क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, देयरफोर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक। देयरफोर फिनॉल जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्ट, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है, ये वाली रिएक्शन ज्यादा शो नहीं करता है, क्लियर है, अल्कोहल ज्यादा शो करता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि फिनॉल एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है या अल्कोहल, तो क्या बताओगे, अल्कोहल, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड टूटेगा। फिनॉल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना इज नॉट ईजी, क्यों, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यह देखा जा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, विच इज नॉट ईजी टू ब्रेक, क्लियर, इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है कि जब अगर अपन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर अपन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की अगर बात कर रहे हैं, अरे यार, हाँ
तो ये सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। बट ये रिएक्शन सिर्फ एल्कोहल के लिए ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि फिनॉल के लिए नहीं पढ़ सकते। फिनॉल के केस में सर क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो अब वन बाय वन अपन स्टडी करते हैं अलग अलग रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन आपके सामने मैं कराने जा रहा हूं, रिएक्शन विद HX, ठीक है। तो पहली रिएक्शन क्या करेंगे, रिएक्शन विद HX, चलो तो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड विथ, बहुत ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, ठीक है। मैं एक एक चीज एक एक लाइन कवर कराना चाहता हूँ, इसलिए थोड़े लेंदी लेक्चर्स है, बट आपके लिए फायदेमंद है ये सारे, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको सब्जेक्ट की अवेयरनेस ना कराऊं, इजी इजी पढ़ा के मुझे क्या फायदा होगा भाई, मेरे लिए आसान होगा बट आपको मैं गलत उसमें नहीं रखना चाहता, है ना। तो जो जो है ये भी सब इजी है, ध्यान से पढ़ो, एक एक लेक्चर को डिटेल में पढ़ोगे कोई गलती नहीं करोगे। अब एल्कोहल जब मेरा हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है, देखो ROH जब मेरा HX के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत ध्यान से देखना, इस केस में ये जो एल्कोहल है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो H प्लस X माइनस में इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये नेगेटिव पार्ट जो है वो आएगा अब इधर। अब वो कैसे आएगा देखना, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इस पे कार्बन है ऑक्सीजन है, और क्या होगा ये देखो, ये वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाटर रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, एक तो RX बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया और क्या वाटर बन गया। तो जब भी एल्कोहल मेरा एल्कोहल रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये देखो रटना इतना आसान है बट हुआ क्या, एक बार समझ में आ गया, क्लियर है, आपको पता चल गया कि जब HX के साथ एल्कोहल रिएक्ट करना है तो R और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता चल जाएगा इजिली प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। अब ये रिएक्शन जितना आसान दिख रही है ना उतनी मजेदार भी है, क्यों, क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। मतलब अगर आप यहां पर एल्कोहल अगर प्राइमरी लेते हो तो रिएक्शन का नेचर क्या होता है, सेकेंडरी लेते हो तो क्या होता है, और टर्शरी लेते हो तो क्या होता है, बहुत मजेदार चीज आने वाली है। देखो अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल लेता हूं और इसकी रिएक्शन कराता हूं किससे, HX से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया प्राइमरी एल्कोहल, फॉर एक प्राइमरी एल्कोहल ले लो मैंने, जैसे ले लिया मान लो CH3CH2OH, ये क्या है मेरा प्राइमरी एल्कोहल है, क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। जब मैंने 1 डिग्री एल्कोहल को रिएक्ट कराया HX से, अब HX के साथ नहीं होती ये रिएक्शन, किसके साथ होती है, HCl प्लस ZnCl2 के साथ, ठीक है। अरे HX वही तो हो गया, तो हाइड्रोजन हैलाइड में क्या लिया मैंने, HCl प्लस ZnCl2, और ये HCl क्या लेना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ आप इस रिएक्शन को करोगे तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आपको कि इन दोनों को मिलाकर बोलते क्या है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को बोलते हैं अपन लुकास रिएजेंट, क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो मैं आगे रिएक्शन कराने जा रहा हूं ये डिस्टिंग्विश रिएक्शन है, जो कि ये लुकास रिएजेंट की हेल्प से आपको ये बताएगा कि गिवन एल्कोहल आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो क्या करने जा रहा हूं, एल्कोहल को मैं हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करा रहा हूं, तो क्या रिएक्शन है, व्हेन प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है अपने सामने देखना बच्चों, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, बनेगा वही सर दैट इज CH3CH2Cl, क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड ही बना, ठीक है, प्लस H2O, प्लस H2O, बहुत ध्यान से देखना, प्लस H2O वही बना, क्लियर है, बिल्कुल सर। अब जब मैं सेकेंडरी एल्कोहल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सेकेंडरी, जैसे CH3 ले लिया, यहाँ CH ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया और यहाँ OH ले लिया, क्या ले लिया, ये 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया मैंने, इसको जब मैंने रिएक्ट कराया वही लुकास रिएजेंट से, तो भी क्या बना, प्रोडक्ट यही बना, देखना बहुत ध्यान से, CH3CH, यहाँ CH3 और यहाँ बन गया क्या, Cl प्लस H2O, प्रोडक्ट क्या बना, वही बना, एल्काइल हैलाइड बना, क्लियर, कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। अब अगर मैंने टर्शरी एल्कोहल ले लिया, मतलब CH3CH3CH3OH, ये क्या लिया, 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, इसको जब मैंने लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराया तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, वही बनेगा, एल्काइल हैलाइड ही बनेगा, देखो प्लस H2O। तो ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश क्या कर रही है ये देखना है। देखो जब भी लुकास रिएजेंट को मैं 1 डिग्री एल्कोहल से रिएक्ट कराता हूं तो जब एल्काइल हैलाइड बनेगा, तो टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, प्राइमरी एल्कोहल लिया, उसमें लुकास रिएजेंट डाला, तो क्या देखा, प्रोडक्ट साइड में नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व, नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व, मतलब
प्रोडक्ट जब बनेगा, मतलब जब आप रिएक्ट कराओगे 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ, तो देखोगे कोई गंदगी नहीं दिखेगी। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, मोटा मोटा तौर पे गंदगी नहीं दिखेगी आपको। तो आप देख लोगे अगर रिएक्शन करने के बाद कोई गंदगी नहीं दिख रही है तो कौन सा अल्कोहल लिया आपने, 1 डिग्री अल्कोहल लिया। जब आप 2 डिग्री अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो क्या देखोगे, थोड़े देर बाद इस रिएक्शन में थोड़े देर बाद टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व। तो क्या लिखोगे, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा, टर्बिडिटी आपको दिखने लग जाएगी। तो 2 डिग्री अल्कोहल, जब सेकंड डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल लोगे, उसको लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो देखोगे थोड़ी देर बाद गंदगी दिखने लग जाएगी, थोड़ी देर बाद। तो क्या कहोगे, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर बिल्कुल गंदगी नहीं दिखेगी तो क्या कहोगे, प्राइमरी अल्कोहल है। थोड़ी देर बाद गंदगी दिखेगी तो क्या कहोगे, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर इमीडिएट, अगर आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखती है, इमीडिएटली गंदगी दिख जाती है रिएक्शन कराने पे, तो क्या बोलोगे, टर्शियरी अल्कलाइड है या टर्शियरी अल्कोहल है। कहने का मतलब यह है, अगर गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, तो क्या करो, उसको लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराओ। क्या होता है लुकास रिएजेंट, सर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। और आप प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट करो, क्या देखोगे, अगर आपने अल्कोहल को लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराया और वो अल्कोहल ने कोई टर्बिडिटी नहीं दी, कोई गंदगी नहीं दी, तो वो अल्कोहल क्या था, प्राइमरी था। अगर उसने गंदगी दी थोड़ी देर बाद, प्रोडक्ट साइड में थोड़ी सी गंदगी दिखी आफ्टर सम टाइम, तो क्या कहोगे, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर तुरंत आपने के अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला और देखा तुरंत गंदगी दिख गई, तो क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल है। और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, लुकास टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब मैं अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराता हूँ तो अल्काइल हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लुकास टेस्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन वी रिएक्ट 1 डिग्री अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट, नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व। व्हेन वी रिएक्ट 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। एंड व्हेन वी रिएक्ट 3 डिग्री अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट, इमीडिएट टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व। क्लियर, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है बच्चा, गंदगी। हाँ, तो पहली रिएक्शन क्लियर है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, क्लियर। अब सेकंड रिएक्शन करने जा रहे हैं अपन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है। सेकंड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ये आप लोग कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेते हैं। या मैंने हेलो एल्केन्स हेलो एरीज में करा दिया था कि जब मैंने अल्कोहल को रिएक्ट कराया था फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, जैसे PCl3 से कराया था, है ना, PBr3 से कराया था, तो क्या बनता था, अल्काइल हैलाइड RX प्लस H3PO3, याद है, बिल्कुल सर याद है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि अपन कर चुके, ऑलरेडी डन इन अल्काइल हैलाइड, फिर भी मैंने लिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरी रिएक्शन कंप्लीट है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तीसरी रिएक्शन। ये दूसरी रिएक्शन है, ये पढ़ेंगे अपन तीसरी, थर्ड रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। और रिमूवल ऑफ वाटर हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में होता है, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। प्रोटिक एसिड मतलब क्या होता है, जो इजीली क्या कर दे, H+ दे दे। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर, क्या हो गया बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर करने जा रहे हैं अपन। रिमूवल ऑफ वाटर हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, पोलर प्रोटिक बोल दो एक ही बात है ना, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक मतलब क्या होता है, जो इजीली H+ दे दे, प्रोटिक एसिड जो क्या करे, इजीली क्या कर दे, H+ दे दे, इजीली H+ डोनर जो होते हैं, इसे बोलते हैं अपन प्रोटिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल लें तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल अगर लें तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोल दो या H3PO3 बोल दो, कॉन्सेंट्रेटेड, ये सब क्या होता है, प्रोटिक एसिड्स होते हैं। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर का अपन रिमूवल करेंगे अब, ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, तो इसके अंदर देखो बेसिक क्या रिएक्शन होने जा रही है, वो ध्यान से देखना। तो इसके अंदर बेसिक रिएक्शन अपन क्या पढ़ने वाले हैं,
सबसे पहले अपन क्या करने जा रहे हैं, देखना एल्कोहल है मेरा, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है मान लो, ठीक है, ओके, और ये जो दूसरा कार्बन है, एटम है, इस पे क्या है मेरा ओएच बॉन्ड है। तो जब मैं इस एल्कोहल को हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड एच प्लस, तो क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, एलिमिनेट आउट हो जाएगा, वाटर हट जाएगा और क्या हो जाएगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कीन फॉर्म होगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो एल्कोहल से अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो कौन सी रिएक्शन करेंगे अपन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो एल्कोहल से क्या बनेगा मेरा, एल्कीन बनेगा। अब इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब मैंने क्या लिया, मान लो प्राइमरी एल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH, ये लिया मैंने प्राइमरी एल्कोहल, इसको रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्या लिया, टेम्परेचर रेंज ले ली मान लो मैंने 443 केल्विन। तो क्या होगा, वाटर एलिमिनेट आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल था, क्या था बच्चों, ये प्राइमरी। अब मैंने बार बार प्राइमरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सर समझाना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझाएंगे, अभी समझाते हैं। देखो तो प्राइमरी एल्कोहल को जब मैंने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया और इसको हीट कराया तो क्या बना, एल्कीन बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, पहले इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी और टर्शरी में कौन जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा, आप खुद ही बता दोगे, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, एग्जाम में आता है ये, है ना। अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें डिहाइड्रेशन रिएक्शन की, तो पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये समझना है अपन को। तो स्टेप नंबर वन में क्या होगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, क्योंकि अपन प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में कराएं, तो स्टेप वन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब हुआ क्या, देखना बहुत ध्यान से देखना, अगर मैंने किसी एल्कोहल को H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो CH3 लिया था ना, देखो CH3 लिया, यहाँ लिया CH2, ठीक है, और क्या लिया था OH, याद है, बिल्कुल, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको मैंने जब प्रोटिक एसिड दिया, मतलब आपने क्या दिया सर, बेसिकली इसको H प्लस दिया, ये कहाँ से आया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आ गया, ठीक है। अब जैसे इसको रिएक्ट कराओगे, हीट करोगे, तो क्या बनेगा, देखना CH3 तो है ही आपके पास, CH2 ये रहा, और ये ऑक्सीजन पे, ये ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन ऑलरेडी था, और ये रेड वाला हाइड्रोजन आकर क्या किया, इसने ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, पहला स्टेप क्लियर है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, क्लियर। ये रिएक्शन क्या होती है, ये स्टेप क्या होता है, काफ़ी फास्ट स्टेप होता है, ये होता है फास्ट स्टेप, ठीक है। क्या बन गया, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या है ये, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है सर। अब स्टेप नंबर वन क्लियर है, ठीक है सर। अब स्टेप नंबर टू देखो, स्टेप टू क्या बताने जा रहा हूं, स्टेप नंबर टू में क्या हुआ, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना, इसमें से वाटर रिमूव होके क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, क्या होगा, स्टेप टू, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखना, यही मेरा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और यही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इस स्टेप की बदौलत ही अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कार्बोकैटायन कैसे, देखो मैंने लिया था क्या, CH3, यहाँ क्या था, CH2, और क्या था, OH2 पॉजिटिव था या नहीं था। अब ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज़ नॉट स्टेबल, तो ये क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हट जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बेसिकली इस बॉन्ड में से अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये स्टेप क्या होता है, काफ़ी स्लो स्टेप होता है, क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो इस स्टेप में क्या हो गया, पानी बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, और क्या बन गया, CH3 CH2, और ये पॉजिटिव क्या बन गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, क्या बन गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। स्टेप टू क्लियर है। अब यही देखना तुम, अगर कार्बोकैटायन बन गया तो एक चीज बताओ, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो इतनी बार बता चुका हूँ, मेरे सब बच्चे लिख भी दिए होंगे अभी तक आंसर, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है, 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, यही पूछने जा रहा हूं, कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शरी में कौन जल्दी डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा, तो आप क्या कहोगे, सर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो हमेशा जो चीज स्टेबल होगी वही बनना चाहेगी, तो इसका मतलब 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है, टर्शरी जो एल्कोहल होता है, वो इजीली क्या करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन दे देता है। क्लियर है, ये समझना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है सर, इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है समझना है। और जो कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये तो था स्टेप टू। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अपन, पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, दूसरे स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर अपन तीसरी स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप, स्टेप थ्री, अगर अपन बात करें स्टेप थ्री, तो स्टेप थ्री में क्या होगा, स्टेप थ्री के अंदर ये जो कार्बन था मेरा, क्या था, CH3 था, CH3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, ये था CH2, और यहां पर था पॉजिटिव चार्ज, था या नहीं था, चेक करो, था। अब इसमें क्या होगा, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, H+ एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, H+ एलिमिनेशन। ये जो H कार्बन का, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा, कहाँ से है, H2SO4 के अंदर, HSO4 जो है, H2SO4 लिया था ना, तो H2SO4 के अंदर HSO4 जो माइनस है वो इसके पास आएगा, इसको लालच देगा और इसको हटा लेगा, तो क्या होगा, H+ का रिमूवल या एलिमिनेशन कह दो, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, क्या होगा इस केस में, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन या H+ भी बोल सकते हो। तो अब ये H+ हट गया, अब H+ अगर ये हट गया तो देखना क्या हो रहा है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दो, एक इस कार्बन पे भी, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन गया, एल्कीन, एल्कीन। तो तीन स्टेप का डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस पहले स्टेप के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरे स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ H+ होगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कि कौन जल्दी डिहाइड्रेशन देगा, रिएक्शन देगा, तो आप सब क्या बताएंगे, सबसे जल्दी टर्शरी अल्कोहल देगा, टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी देगा, फिर कौन देगा, प्राइमरी। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना, ये चीजें ध्यान से समझ लोगे ना, बस मजा आ जाएगा, इसी में ही सारा सहार है इस चैप्टर का। रिएक्शन तो कोई भी रट लेगा, कोई भी समझा देगा, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों हुआ, ये आप समझ गए हैं मैकेनिज्म से, कि डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है, टर्शरी, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन को इजीली दे देगा। क्लियर है बच्चों, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को इजीली अंडरगो कर जाता है, ठीक है। तो अगर इजीली अंडरगो कर जाता है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है सर आपका, ये समझना, ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो इजीली डिहाइड्रेशन दे देता है, इसका कहने का क्या मतलब है, तो अगर मैं सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की अगर डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिखूं, भाई प्राइमरी में क्या कहा था, 443 केल्विन टेम्परेचर लिया था, याद है, अब देखो CH3CH CH3OH, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये क्या है, टर्शरी, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका जब डिहाइड्रेशन कराऊंगा और इसका जब डिहाइड्रेशन कराऊंगा, बनेगा क्या, एल्कीन बनेगा, कैसे देखना बहुत ध्यान से, अगर इसका डिहाइड्रेशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका डिहाइड्रेशन कैसा होगा, भाई इसमें से ये देखो इसमें से जब OH, इस इधर देखो हाइड्रोजन इधर से इस कार्बन से और इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H हटा दो, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, अरे इसका ये देखो यार,
इस कार्बन से तो OH, और इस कार्बन से H, तो यहां से एक H जाएगा, यहां से OH, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो लगा दिया मैंने। ठीक है, इधर देखो, इस केस में अगर मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट, इस केस में अगर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाऊंगा, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहां बना दो CH3, बन जाएगा। अब ये तो बन जाएगा सर, बट इस केस में मजा क्या आया, ईज क्या हुई, ईज ये हुई कि अगर आप इस केस में 85% H3PO3 या H3PO4 ले लो, क्या ले लो, 83% H3PO4 के साथ रिएक्शन करा लो, और टेम्परेचर रेंज भी क्या रख लो, 440 केल्विन ले लो, तो भी ये रिएक्शन हो जाती है। मतलब पहले प्राइमरी के केस में क्या लिया था आपने, पूरा 100% लिया था और 443 केल्विन लिया था। सेकेंडरी केस में थोड़ा आसान हो गया, 85% ऑफ एसिड और 440 केल्विन। और अगर अपन टर्शरी की बात करें तो टर्शरी रिएक्शन तो मात्र 20% ऑफ एसिड ले लो, क्या ले लो, 20% ऑफ एसिड ले लो, और टेम्परेचर रेंज भी कितना ले लो, 358 केल्विन ले लो, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्राइमरी की ज़्यादा टफ कंडीशन में होती है, सेकेंडरी की उससे इजी, और सबसे इजी टर्शरी एल्कोहल की होती है डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म में देखा गया कार्बोकैटायन बनता है और टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का ईज की अगर अपन बात करने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ईज किसकी होती है, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। जैसे अभी मैंने समझा दिया आपको कि प्राइमरी की केस के अंदर, प्राइमरी केस के अंदर कितना लिया था, पूरा एसिड लिया था, 443 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ा था, बट सेकेंडरी में थोड़ा ईजी हो गई कंडीशन, टर्शरी में और ईजी हो गई, इसको नोट करो। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट चौथी रिएक्शन की बात करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज ये थोड़ा बोर्ड भी स्लो चल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। चलो तो फोर्थ रिएक्शन है अब अपनी, जो कि जब अल्कोहल मेरा किसकी तरह ऐड कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर रहा है, तो फोर्थ रिएक्शन क्या है मेरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म समझना। देखो, इसके अंदर कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये एच है और ये एच है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, कार्बन से और ये ऑक्सीजन से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और इस कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। बस ये करना है मुझे, क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन के अंदर कार्बन का और ऑक्सीजन का एक एक हाइड्रोजन हटाना है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है। ये है ऑक्सीडेशन का बेसिक फंडा। ठीक है, क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। ये एक ट्रिक है एक तरीके से सर। क्यों, देखो ऑक्सीडेशन मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, क्लियर है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। इस केस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, दो बॉन्ड टूटते हैं और डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के केस में, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, क्लियर है। ठीक है, इस रिएक्शन को और क्या जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ना ये, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। ये तो पहला स्टेप हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब लॉस ऑफ H2, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिहाइड्रोजन रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे तो होगी नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो कैसे कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ये समझना है अपन। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो पहला फंडा मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर ये अल्कोहल है RCH2OH, बहुत ध्यान से लिखना अल्कोहल है, तो अल्कोहल को लिखने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे लिख लो, RCH2 में CHH, ये ऑक्सीजन में OH, ये RCH2OH है। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ो और ये वाला बॉन्ड तोड़ो और इन दोनों में डबल बॉन्ड बना लो, तो क्या बनेगा, RCOH बनेगा या नहीं बनेगा, क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, क्या बनता है, एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है
एल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बनता है? कार्बोजिलिक एसिड. क्या बनता है? कार्बोजिलिक एसिड. ये ध्यान में रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके बनता है कार्बोजिलिक एसिड. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करती है अलग अलग चीज़ें. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करती है अलग अलग चीज़ें. सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल, अगर मैं एल्कोहल की बात करूँ, एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ मैं, सबसे पहले अगर मैं एल्कोहल लेता हूँ RCH2OH, ये मेरा एल्कोहल है, एल्कोहल है, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, क्या करा रहा हूँ? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम. क्या ले रहा हूँ? CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम. ठीक है, ये क्या है? एल्कोहल है. इस ये क्या है? मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. माइल्ड मतलब नॉर्मल. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है. क्या बनता है? एल्डिहाइड. ठीक है, ये याद रखना, जब एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है. क्लियर? बिल्कुल. अब अगर मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूँ जैसे KMnO4, क्या ले रहा हूँ? KMnO4. ये KMnO4 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करेगा ये? डायरेक्टली ही इसको क्या करेगा? कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, RCOOH. ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है भाई? एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड कार्बोजिलिक एसिड में होता है. बट अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो एल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड के अंदर. क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है तो किसी को बताइएगा. ये बेसिक फंडा है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. ठीक है, अब अगर अपन बात करें अलग अलग एल्कोहल की, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी एल्कोहल की, सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल की. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी एल्कोहल की, अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, ये ले लिया CH3, ये ले लिया CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, ठीक है, CH2OH. ये क्या प्राइमरी एल्कोहल है या नहीं है? हाँ सर, देखो इस कार्बन पे एक ही तो एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है. इस प्राइमरी एल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, तो क्या बनता है? PCC की साथ अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो बनता क्या है? ये जो मेरा एल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में. CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO. ठीक है, तो 1 डिग्री किस में हो गया? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया. क्लियर है बच्चों? ये सर ये PCC क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है. ऑक्सीडाइजिंग ये PCC क्या करता है? ये डबल बॉन्ड एल्कीन को नहीं छेड़ता, इसको नहीं छेड़ेगा डबल बॉन्ड को, सिर्फ क्या करेगा? एल्कोहल वाले ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है. पीसीसी का नाम क्या होता है? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट. क्या बोलते हैं इसको? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम होता है. ठीक है, ये भी क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. पिरिडियम DINIUM होता है, सॉरी, क्रोमेट. पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट. अब इन ये तीनों वर्ड आया कैसे? पिरिडियम कहाँ से आया? पिरिडीन से. पिरिडीन की क्या फॉर्मूला होता है? C5H5N. ये पिरिडीन हो गया. क्लोरो मतलब क्लोरीन, पता ही है आपको. क्लोरो कहाँ से आया था? HCl से, क्लोरीन. ठीक है, और क्रोमेट होता है CrO3. इन तीनों से मिलकर बनता है PCC, और ये क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ये क्या करता है? प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम करता है. क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है. अब अगर अपन बात करें सेकेंडरी एल्कोहल की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल, ये तो प्राइमरी की बात करी, अब अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात करूँ, अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो सेकेंडरी एल्कोहल के केस में अगर मैं ले लेता हूँ, भाई प्राइमरी केस में मैंने क्या लिया था?
हाँ ये लिया था। अब सेकेंडरी केस में देखना, सेकेंडरी अल्कोहल ले लो कोई भी, जैसे मान लो मैंने लिया आर सी एच, ठीक है, ये आर डैश, और यहाँ ले लिया ओ एच, ठीक है। अब इस केस में ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका जब ऑक्सीडेशन कराऊंगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई भी ऑक्सी, इसमें भी माइल्ड ले लो क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन अगर कराना है तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा देखना, चेक करना, आर सी ओ आर डैश क्या होगा देखना, इधर समझना, आर सी ये एच है, ये आर डैश है, ये ओ है और ये एच है, तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। देखो बना दिया, बना दिया, नहीं बना दिया, तो सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बना अपने सामने, कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। तो इसका मतलब एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, बट डिपेंड करता है, प्राइमरी एल्कोहल हो गए तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो गए तो कीटोन बनेगा। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है? नहीं। अगर अब मैं टर्शियरी एल्कोहल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टर्शियरी एल्कोहल की, अगर मैं बात कर रहा हूं टर्शरी एल्कोहल की, अगर टर्शरी एल्कोहल की अपन बात करें, फॉर एग्जाम्पल टर्शरी एग्जाम्पल ले लो, CH3 इस केस में अगर मैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन कराता हूं तो नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। क्या? नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि सर इस केस में इस कार्बन पे क्या है, नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? ठीक है, इट इज नॉट हैविंग, या नॉट हैविंग हाइड्रोजन लिख दो, दिस कार्बन इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन एटम, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है भाई, प्राइमरी से क्या होता है सर, प्राइमरी से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनता है कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट करा रहा हूँ, इसकी जो वेपर है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की जो वेपर्स है इसको मैं पास कराने जा रहा हूँ हीटेड कॉपर से। क्या कराने जा रहा हूँ? हीटेड कॉपर से। बहुत ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया आपको कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल कैसे रिएक्ट करते हैं। प्राइमरी एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी कीटोन बनाता है, टर्शरी रिएक्ट नहीं करता है। बट अगर अब मैं बात कर रहा हूँ इस इनकी वेपर्स की, अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल लूँ, ये ले लिया मैंने प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, इसको मैंने इसकी वेपर को पास किया, इसकी वेपर को, प्राइमरी अल्कोहल की वेपर को कॉपर से, हीटेड कॉपर से पास किया, मतलब कॉपर टेम्परेचर ले लो 573 केल्विन, तो ये क्या है, हीटेड कॉपर से अगर मैंने इसको पास किया तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस, और क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। इस केस में भी क्या होता है, वही हाइड्रोजन इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन क्या होता है, ब्रेक होता है, और डिहाइड्रोजिनेशन अकर, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, पहला तो ये हो गया, अगर मैंने प्राइमरी लिया, ये क्या लिया था, प्राइमरी अल्कोहल लिया, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं, सेकेंड, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं, आर सी एच आर डैश, और यहां ले लिया ओ एच, ये क्या लिया मैंने, सेकेंडरी अल्कोहल, इसको जब मैंने हीटेड कॉपर, इसकी सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को जब हीटेड कॉपर से पास किया, हीटेड कॉपर से पास किया, तो इस केस में भी क्या होगा, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन जैसा ही रिएक्शन होगा, इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा इस केस में भी। ठीक है, सेकेंडरी केस में भी। बट अगर मैं टर्शरी लेता हूं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं टर्शरी अल्कोहल का, जैसे CH3 टर्शरी अल्कोहल की, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की वेपर को हीटेड कॉपर से अगर मैं पास करता हूँ, इस केस में क्या होगा, अब इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में क्या होता है, ये जो CH3 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2H लिख सकते हैं, और ये जो है ये वाटर रिमूव होता है, तो इसके अंदर डिहाइड्रोजिनेशन की जगह क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, और क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन। क्या हुआ इसमें, डिहाइड्रेशन हुआ। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का
ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या होगा, टर्शरी का नहीं होगा, बट अगर इनकी वेपर्स को हीटेड कॉपर से पास करोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, बट टर्शरी के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस। ये इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर नोट कर लो, ठीक है। तो अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई किसकी, अपनी अल्कोहल पार्ट की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कोई भी अगर डाउट आए अगर रिएक्शन पार्ट में अल्कोहल में तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। एक क्लास और लूंगा क्योंकि थोड़ी अब लेंदी हो गई है, अपने लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है जिसमें अल्कोहल की कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अगली एक क्लास रहेगी जिसमें फिनॉल और ईथर की मैं रिएक्शंस कंप्लीट करा दूंगा। एक भी चीज स्किप नहीं कराना चाहता हूं, इसलिए एक क्लास और लूंगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। थैंक यू।